गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास तक हमने सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के अलग अलग तरीके से देख लिए थे, हो गया था फिनिश। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज, सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर में से अगर हमें उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है तो हमें कौन कौन से मेथड्स यूज करना पड़ता है, हम उसको डिस्कस करेंगे आज। चलिए तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। उसके बाद आप लिखेंगे ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग अ सॉलिड एंड अ लिक्विड आर सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। नीचे हमें कुल 6 प्रोसेस दी गई हैं, इसी 6 प्रोसेस में से कोई एक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की किस सिचुएशन में हमें कौन सा लगाना है, किसी एक सिचुएशन को डिसाइड करके डिफाइन करके हम एक मेथड को चूज करेंगे और उसी मेथड की हेल्प से उस सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करेंगे। क्लियर है? तो आइए देखिए कौन कौन से वो 6 मेथड्स हैं, पहले उनके नाम जान लेते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा इवापोरेशन, चौथा क्रिस्टलाइजेशन, पांचवा क्रोमेटोग्राफी एंड द लास्ट वन इज डिस्टिलेशन। एक बार फिर से, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड इवापोरेशन, फोर्थ क्रिस्टलाइजेशन, फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी एंड द सिक्स्थ वन इज distillation. We will now discuss all these methods in detail one by one. अब हम एक एक करके, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था सारे स्टेप्स को, वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले हम बहुत सारे apparatus को यूज करेंगे, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। Before we go further and describe the process of filtration for separating mixtures, हम आगे बढ़ें और मिक्सचर के सेपरेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है उसको डिस्कस करें। उससे पहले We should know something about filter paper and how it is folded for carrying out filtration. हमें ये जानना होगा कि फिल्टर पेपर क्या है और हमें इसको कैसे यूज करना होता है। तो आइए आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि फिल्टर पेपर क्या होता है। आपको क्या लिखना है, आपको सब यहाँ तक लिखना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर क्या होता है। तो देखिए आप, फिल्टर पेपर इज अ राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर विच एज मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स। ये जो फिल्टर पेपर होता है ना, बहुत सिंपल सा होता है। जब भी आप स्कूल आएंगे हम आपको दिखा भी देंगे, लैब में है ये फिल्टर पेपर ना एक राउंड पीस ऑफ पेपर होता है जो कि एकदम स्पेशल पेपर होता है। इसका मतलब स्पेशल मतलब क्या है, इस पेपर के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे होल्स पाई जाती है। ठीक है, द पोर्स ऑफ ए फिल्टर पेपर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आइज। और ये अब सोचिए एक छोटे से पेज में अगर लाखों करोड़ों आप उसमें होल करेंगे, क्या वो होल दिखाई पड़ेंगे? नहीं। अच्छा, बायोलॉजी में आपने इतना सीख रखा होगा ना कि हमारी जो स्किन है, स्किन बॉडी की स्किन, उसमें भी होल्स होती हैं, पढ़ा कि नहीं आपने? नहीं पढ़ा आपने? चलिए आप बायो वाले सर से डिस्कस करिएगा, वो आपको बताएंगे। ऐसे चलिए प्लांट्स के बारे में तो सीख रखा है ना, जो प्लांट्स होती हैं वो लीव्स, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे करती होंगी, उनके पास तो माउथ है नहीं। हाँ, उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है? जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। आप एक पत्ते लीजिए, आप उसको ध्यान से देखते रहिए, आपको कभी भी वो होल्स दिखाई नहीं पड़ेंगी। वैसे ये जो फिल्टर पेपर होता है इसमें मिलियंस ऑफ होल्स होंगी जो कि इतनी छोटी होंगी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। द लिक्विड्स लाइक वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑयल एक्सेट्रा कैन पास थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, बट सॉलिड पार्टिकल्स लाइक चॉक पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स बीइंग लार्ज कैन नॉट पास थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। अब ये जो फिल्टर पेपर की होल्स इतनी छोटी हैं, इसमें अगर आप वाटर गिराएं तो वाटर का सॉल्यूशन पास हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन गिराए वो भी पास हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन वो भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें सॉलिड पार्टिकल जैसे कि चॉक के पार्टिकल्स या फिर आपके पास सैंड के पार्टिकल्स हैं और इनको भी पास कराना चाहें तो ये पास नहीं होंगे, ये ऊपर ही छन जाते हैं और इनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। आगे देखिए, the solid which remains behind on the filter paper is called residue and the liquids which passes through the filter paper is called filtrate. आपको ये लिखना होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। फिर भी आप इसको लिख लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड है, आपने उस लिक्विड को इस फिल्टर पेपर पे गिराया तो लिक्विड क्या होगी, इसके नीचे पास हो जाएगी। जो लिक्विड इसके अंदर चली गई, पास हो गई इनके होल से, उनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो सॉलिड पार्टिकल्स इसके ऊपर इकट्ठा रह गए, जो पास नहीं कर पाए, जिनकी साइज बड़ी थी, उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। क्या कहते हैं, रेसिड्यू। नेक्स्ट देखिए, अ फिल्टर पेपर इज शोन इन द फिगर 68। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फिल्टर पेपर की डायग्राम दी गई है। इसमें देखने लायक कुछ है नहीं, एक सर्कल सा राउंड फिगर दिया गया बस, बट कोई नहीं। देखिए, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं ये भी सीखना होगा आपको। बिफोर अ फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड के लिए हम फिल्टर पेपर को यूज करें उससे पहले इट इज़ फोल्डेड प्रॉपरली टू मेक अ होलो कोन। हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फोल्ड करते हैं ताकि ये कोन के साइज का बन जाए। हाँ, कैसे करते हैं देखिए, पहले आप इसको हाफ करेंगे, फिर उसको दोबारा और हाफ करके क्वार्टर में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे। मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा कोन की तरह बन जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज यहाँ सब लिखा भी है। पहला, द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एज फोल्डेड इन हाफ। हम लेते हैं उसको हाफ करते हैं, फिर द हाफ फोल्डेड पेपर इज फोल्डेड अगेन। जो हाफ हुआ था फिर उसको एक बार और हाफ करेंगे, यानी क्वार्टर बन जाएगा। द ट्वाइस फोल्डेड पेपर इज ओपन टू फॉर्म अ होलो कोन। फिर हम उसको ऐसे खोलते हैं कि वो क्या बन जाए, कोन की शेप का बन जाए। दिस कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन साइड ऑफ फनल। उसके बाद हम फनल के अंदर, जिससे कि हम लिक्विड को पास कराते हैं, उसके अंदर डाल देंगे। देन इट इज़ यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन अ साइंस लैब। किसी भी साइंस लैब में फिर उसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब फिल्ट्रेशन एज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट वे ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड एंड अ गैस मिक्सचर, सॉरी अ लिक्विड एंड अ सॉलिड मिक्सचर। अब हेडिंग डालेंगे, पहला, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड को, यानी कि लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करने पे कई बार सॉलिड मिक्स हो जाती हैं, जैसे सॉल्ट और वाटर मिक्सर, ये मिक्स हो जाएंगी तो ये इनसॉल्युबल नहीं है, ये तो सॉल्युबल हो गई। लेकिन वहीं पर अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करना चाहें तो कभी मिक्स नहीं होते, इसलिए हम इनको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जो कि पानी में या लिक्विड में मिक्स नहीं होते, जब हम उनको फिल्टर पेपर से छान कर अलग कर देते हैं तो उनको हम, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। जो फिल्ट्रेशन मेथड है इसका यूज कहाँ करते हैं, हम एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिसमें कि जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो मिक्स नहीं हो पाता। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड द लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ फिल्टर पेपर कोन फिक्स्ड इन अ फनल बाय यूजिंग अ ग्लास रोड एज अ गाइड। फिर हम क्या करते हैं, जो हम फनल लिए रहते हैं उस फनल में फिल्टर पेपर को आराम से कोन शेप में लगा देते हैं, और फिर ये जो मिक्सचर होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का या इनसॉल्युबल सॉलिड का, उसको हम उससे पास कराते हैं। अब क्या होगा, जो लिक्विड होगी वो सब पास हो जाएंगी और वो क्या कहलाती हैं, फिल्ट्रेट। जबकि जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स थे जिनकी साइज बड़ी थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, छन जाएंगे, और उनको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। वहीं पे जो छन के ऊपर रह गया बाहर सॉलिड के पार्टिकल्स, उनको हम रेसिड्यू कहेंगे, जबकि जो लिक्विड उससे पास होकर अंदर चले गई उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड एंड क्लियर लिक्विड। इस तरह से ये जो मिक्सचर होता है किसका, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का, वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि हम सेपरेट कर पाते हैं। अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप इसी तरह से चॉक और वाटर के मिक्सचर को भी अलग अलग कर सकते हैं। फिर से वही तरीका, व्हेन द मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर फिक्स इन अ फनल, देन क्लियर वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट्स एज फिल्ट्रेट। तो उसमें क्या होगा, वही जो क्लियर वाटर होगी वो पास हो जाएगी, जिसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, चौक के पार्टिकल्स ऊपर छन जाएंगे, जिसको हम रेसिड्यू कहेंगे। अब आपको इसमें लिखना है, तो हम आपको इसमें क्या लिखा है, हाँ आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और अभी हम आगे बताएंगे कहाँ तक आपको नोट करना है। ये डायग्राम है, आप डायग्राम देख लेंगे, आप ट्राई करेंगे ये डायग्राम आप बना लें, आपसे बन जाए, थोड़ा सा गड़बड़ भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ आप कोशिश करेंगे ज़रूर। यहाँ तक फिल्ट्रेट, फिर उसके बाद लिखेंगे द चॉक पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एज रेसिड्यू। अब मैं आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, कहाँ गया, यहाँ रेसिड्यू तक, ऐसे हो जाएगा। फिर वहीं पे आप देखें नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप सैंड और वाटर के भी फिल्ट्रेशन करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। व्हेन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर फिक्स्ड इन अ फनल देन क्लियर वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट्स एज अ फिल्ट्रेट, द सैंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू। उससे क्या होगा, क्लियर वाटर पास हो जाएगी, जिसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, और जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं सब छन के ऊपर रह जाएंगे, जिनको हम रेसिड्यू कहेंगे। तो ये सेम चीज़ है, बार बार हमें लिखाने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख लें बस। और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लें यहाँ से यहाँ तक। अब आप आगे देखिए क्या लिखा है, द चॉक एंड वाटर मिक्सचर एंड सैंड एंड वाटर मिक्सचर विच हैव बीन सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहीं पे चाहे आप चॉक वाटर का मिक्सचर देख लें या सैंड वाटर का मिक्सचर देख लें, ये जो अलग किए गए हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, ये सब मिक्सचर कैसे हैं, हेट्रोजीनस। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी होती है, वो आराम से पूरी तरह मिक्स नहीं हो सकते, यानी कि ये हमें बाहर से दिखाई देते रहते हैं, इनका सेपरेशन हमें दिखाई पड़ता रहता है। दिस मीन्स दैट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसका मतलब आप कह सकते हैं, अगले लाइन में लिखिएगा, दिस मीन्स दैट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। कोई भी सॉलिड और लिक्विड का अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो आप उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट फिल्ट्रेशन कैन सेपरेट ओनली इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ लिक्विड। ध्यान रहे कि ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है सिर्फ वहीं पे काम आएगा जहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता। अगर आप यहीं पे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लें या शुगर और वाटर का, तो उनको आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मिक्स होने के बाद कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं, और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उसके बीच चले जाते हैं, यानी कि वो अपनी साइज इतनी छोटी कर लेते हैं कि वो आराम से फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड। अब ये फिल्ट्रेशन मेथड वहाँ यूज नहीं किया जा सकता या काम नहीं आता जहाँ पर एक सॉलिड कम्प्लीटली लिक्विड में डिजॉल्व हो चुका हो। क्लियर है? क्योंकि उस केस में वो भी फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर चला जाता है, यानी कि छानने पे हमें हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इन साइंस एक्सपेरिमेंट वी यूज अ फिल्टर पेपर एज फिल्टर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट इन एवरीडे लाइफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज्ड। हम लैब में तो फिल्टर यूज करते हैं, जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, जबकि हम घरों में भी चाय छानने के लिए भी यूज करते हैं, फिर हमारे घर पर जो आटा होता है हम उसको छानने के लिए भी यूज करते हैं, सीप बोलते हैं उसको, ऐसे ही हम दाल में से कंकड़ वगैरह अलग करने के लिए भी यूज करते हैं, अलग अलग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ वायर मेस, जिसको हम चाय छन्नी कहते हैं, अ पीस ऑफ कॉटन, अ पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ, जिसको हम फाइन क्लॉथ कहते हैं, यानी कि एकदम पतला कपड़ा। इवन अ लेयर ऑफ सैंड कैन बी यूज एज अ फिल्टर फॉर द वेरियस पर्पज। तो इन सब का भी यूज हम अलग अलग घर पे करते रहते हैं, तो ये भी फिल्टर के तौर पे काम आते हैं, लेकिन हमारे लैब में हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर पेपर यूज करते हैं।